सच्चा है। अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दाव खेलता है, कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दाव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाए, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहाँ है और फिर से वही पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है, ऐसा अपराध जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पाँव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है।